तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फॉर्म है आपके सामने रखा हुआ है, और ये किस टाइप का फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, तो वो फॉर्म पटना रेडियो स्टेशन भर्ती का है, जिसका क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे दोस्तों अप्लाई करेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे आवेदन करना है, और दोस्तों क्या आवेदन ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, ए टू जेड डिटेल डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर ही लो दोस्तों, ताकि ऐसी यूनिक वैकेंसी सबसे पहले आपको इस चैनल पर जरूर मिलती रहे। ओके चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी उर्दू और मैथिली, आप यहाँ पे फिर से देख लो हिंदी उर्दू और मैथिली भाषा के लिए आकस्मिक समाचार वाचक सह अनुवादक का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अब दोस्तों इसकी क्या योग्यता रहेगी वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और जिस भी भाषा में आकस्मिक समाचार वाचक सह अनुवादक आवेदन करना चाहते हैं आप, उस भाषा में हिंदी या उर्दू या मैथिली में काम करने की आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, या उसका सर्टिफिकेट भी है तो भी चलेगा, और एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। रेडियो प्रसारण के लिए अनुकूल स्वर आपका जो है कि बोली स्वभाव अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस रहेगा तब तो अच्छा ही रहेगा बोली स्वभाव। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो आवेदन का निवास राजधानी मुख्यालय पटना क्षेत्र के अंतर्गत ही होना चाहिए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आवेदक का जो निवास है वो राजधानी मुख्यालय पटना क्षेत्र के अंतर्गत ही होना चाहिए। ओके अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों वांछनीय योग्यता में यहाँ पर दिया गया है रेडियो या टीवी में काम करने का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। ओके और कंप्यूटर पर काम करने का कार्य साधक ज्ञान आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर पर काम करने की बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आयु सीमा दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कैंडिडेट की जो उम्र है वो 1/6/2022 को 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ओके चयन की जो प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा होगी, स्वर्ण परीक्षण किया जाएगा, ऑडिशन और साक्षात्कार के बाद तैयार मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ओके अब दोस्तों नोट में दिया गया है कि अभ्यर्थियों का पैनल केवल असाइनमेंट के आधार पर होने वाला है, और चुने गए अभ्यर्थियों को आकाशवाणी में नियमित नौकरी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है दोस्तों आपको ये नौकरी से बाहर भी कर सकते हो, कोई नियमित नौकरी नहीं आई। ओके आप लोग इसको याद रखिएगा। समाचार सेवा प्रभाग द्वारा तय मानदंड के आधार पर पैनल में शामिल आकस्मिक समाचार वाचक सह अनुवादक की सेवाएं ली जाएगी। अब दोस्तों हम लोग आवेदन शुल्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आप दोस्तों इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा काफ़ी अच्छे से। ओके आवेदन शुल्क की मैं बात करूं तो दोस्तों सामान्य श्रेणी के लिए फीस 300 रुपये फीस है, प्लस 18% GST रखा गया। ओके आवेदक को 354 रुपये का बैंक ड्राफ्ट देना होगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो SC ST OBC श्रेणी के लिए फीस 225 रुपये और प्लस 18% GST, आवेदक को 266 रुपये का बैंक ड्राफ्ट देना होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के अनुभव का प्रमाण पत्र भी, और आवासीय पता का प्रमाण और जाति प्रमाण पत्र। ओके और उसकी छाप प्रति दोस्तों और 2 पासपोर्ट साइज फोटो संकलन आपको करना होगा। आवेदन 30 सितंबर 2022 तक केवल स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किया जाएगा। और दोस्तों आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आवेदन करते समय लिफाफे पर सबसे ऊपर आपको लिखना होगा हिंदी में, यदि आप आवेदन करना चाहते हो तो हिंदी आकस्मिक समाचार वाचक सह अनुवादक पैनल के लिए आवेदन उर्दू में करना चाहते हो तो उर्दू में लिखना होगा, मैथिली करना चाहते हो तो मैथिली के लिए आपको लिखना होगा। ओके अब दोस्तों जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं कि आवेदन भेजने का पता क्या रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों उप महानिदेशक अभियंत्रण सह केंद्राध्यक्ष आकाशवाणी पटना पिन 800001। ओके अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आवेदन पत्र और अन्य विवरण कहाँ से प्राप्त होगी। तो www.newsonair.government.in पर जो है कि आपको इसका आवेदन फॉर्म मिल जाएगा, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, या नहीं तो इसका ट्विटर हैंडल @AirNews पटना से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके तो दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।